हरियाणा में आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। खट्टर सरकार विपक्ष से सहयोग देने की अपील कर रही है, लेकिन ये सत्र सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानियों भरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बजट के बहाने किसानों को साधना है तो दूसरी तरफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना है। विपक्ष के इसी तलखी की वजह से सीएम खट्टर के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है तो चौटाला की साख दांव पर लगी है। किसान आंदोलन को अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे अन्नदाताओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को धार देने की रणनीति भी तैयार कर ली है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं मोदी सरकार के साथ साथ खट्टर सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि जहां किसान सामने खड़े हैं तो वहीं विपक्ष भी उनका साथ देते हुए सरकार की नींव हिला रहा है। और आज तो बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई है, जिसमें खट्टर सरकार की चौतरफा घेराबंदी होगी, क्योंकि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखा है। विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक 3 कृषि कानूनों के विरोध में चर्चा की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। वहीं कांग्रेस विधायकों के जरिए लाए जा रहे प्रस्ताव को स्पीकर अगर स्वीकार करते हैं तो 10 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी जरूरी होगी। ऐसे में खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि समीकरणों के लिहाज से देखें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें खाली हैं। मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 88 है, जिनमें 40 बीजेपी, 30 कांग्रेस, 7 निर्दलीय, 10 जेजेपी विधायक और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा है। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो खट्टर सरकार को 45 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी जेजेपी के निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन फिलहाल 8 विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। और अब आगे जेजेपी के नेताओं की नाराजगी बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि चौटाला को किसानों के करीबी नेता के रूप में जाना जाता है। जेजेपी के विधायक भी उन पर दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में प्रस्ताव आया तो चौटाला की चिंता बढ़ेगी, साथ ही सरकार का गिरना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।